पूरा जा सामने गोलू। ए भैया एक बार थोड़ा सा पीछे हो जा। ये कहना तो ना ऐसे हो गया। हेलो हेलो भैया, ये बगलाओ नहीं ना ओए प्रदीप क्रिकेट क्लब रटिया चंदन के सौजन्य से आज का फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। पहले पहले बल्लेबाजी कर इस मैच को जीतना पड़ेगा। और आज के एम्पायर हरकेश और सूरज और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पर देवरिया स्पोर्ट चैनल पर उल्टा बोल दिया उल्टा एक रन पूरा के इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 21 रन 0 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की प्रगति पर बिट्टू कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए। बिट्टू के गेंद का सामना करेंगे विनय। बिट्टू हल्के कदमों से इस टीम को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट पुल करने की कोशिश पूरी तरह से चूक गए। बाइक का विकेट कीपर ने पूरा
पूरा किया। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 21 रन 0 विकेट के नुकसान पर। हाँ अंदर से लग गया ओई तरफ भैया ओई तरफ फेंक के ला बिना लिया ओकर वेट कर रहे हैं तैयार डेला नहीं मतलब ओकर वेट कर रहे हैं बिट्टू हल्के हल्के कदमों से स्टंप को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट बहुत अच्छी गेंद गुड लेंथ पर तपका खाकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 21 रन 0 विकेट के नुकसान पर। पहले दूसरे ओवर की प्रगति पर बिट्टू कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए। बिट्टू हल्के हल्के कदमों से स्टंप को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट बहुत अच्छी गेंद इस समय बिट्टू बहुत अच्छी गेंद करा रहे हैं अपने टीम के लिए। बिट्टू अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार बिट्टू की गेंदों का सामना करेंगे और गेंद नीचे फील्डर मौजूद पार का इशारा आता हुआ। ओए काबा भैया बता दे लो कहा तो लो बता दियो लो भाई तो लो बताओ दर्शक वो देख लियो तो दर्शक वाला बताइए और एम्पायर का इशारा आता हुआ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए चार हिट्स मारकर इस टाइम पर जमे हुए विनय अगर लास्ट तक खेल दिया सोनाड़ी को और बिट्टू अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार बिट्टू की गेंदों का सामना करेंगे विनय स्ट्राइक पर बिना और नाम स्ट्राइक पर अंदर बिट्टू हल्के हल्के कदमों से स्टंप को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट करने की कोशिश पूरी तरह से चूक गए बाइक का विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 27 रन 0 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की समाप्ति पर। डायमंड आगल बॉल जेनू डायमंड आगिल बा जेनू डायमंड आगिल बा। और आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि YouTube पर देवरिया स्पोर्ट चैनल पर जाकर आप लाइव का मजा उठा सकते हैं इस मैच का लाइव का मजा उठा सकते हैं और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करके इस मैच को आगे की तरफ बढ़ाए। हनुमान क्रिकेट क्लब परडिया चंदन के सौजन्य से आज का पायरा का मुकाबला खेला जा रहा है बल्ले
करते हुए अपने टीम के लिए। और अंगद इस समय दो गेंद दो हिट्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंगद अपने टीम के लिए। स्ट्राइक पर अंगद और नाम स्ट्राइक पर बिने मुरारी हल्के कदमों से स्टंप को पार करते और राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद को भी पुल करने की कोशिश लेकिन पूरी तरह चूक गए भाई का विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 40 रन 0 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की प्रगति पर इस समय बहुत अच्छी बल्लेबाजी होते हुए सोनाड़ी की तरफ से और मुरारी हल्के कदमों से स्टंप को पार करते और राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद हवा में नीचे गोलू मौजूद। बहुत ही शानदार कैच इसमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अंगद जो कि पवेलियन की राह जा रहे हैं। और उनका स्थान लेने आएंगे मुरारी अपने बॉलिंग मार पर तैयार। मुरारी इस समय अपनी टीम के लिए पहली सफलता दिलाए और विनय का स्थान लेने आएंगे अंगद का स्थान लेने आएंगे नए बल्लेबाज विजय। कितना बजे 40 स्ट्राइक पर विजय और नाम स्ट्राइक पर अंगद विनय और मुरारी अपने बॉलिंग मार पर तैयार जो कि अपने टीम के लिए पहली सफलता दिला। मुरारी हल्के कदमों से स्टंप को पार करते राइट आर्म ओवर द विकेट पुल करने की कोशिश पूरी तरह से चूक गए भाई का विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 40 रन 3 ओवर 40 हेलमान क्रिकेट क्लब प्राणिया चंदन के सौजन्य से आज का फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। पैना बल्लेबाजी करकर 122 रन बनाकर जवाब में सोनाड़ी 40 रन बनाकर एक विकेट खोकर और इस गेंद को बहुत शानदार गेंद नीचे फील्डर मौजूद बहुत शानदार कैच आउट कैच आउट होकर जाना पड़ेगा। टाइट नहीं लगा चंदन के सौजन्य से आज का फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। पहना पहले बल्लेबाजी कर 122 रन बनाकर जवाब में सोनाड़ी 40 रन बनाकर दो विकेट खोकर और चौथे ओवर की प्रगति पर बैट्समैन ने एक रन पूरे किए। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का इकतालीस रन दो विकेट के नुकसान पर।
और बिट्टू अक्षर कदम से टेप को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट पुल करने की कोशिश पूरी तरह से चूक गए पार का इशारा तो वह वाइट जो कि गेंद तैयार है उसकी वो जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद हवा में नीचे फील्डर मौजूद और कैच आउट होकर जाना पड़ेगा विजय को सोनाड़ी का तीसरा विकेट हनुमान क्रिकेट प्रिया चंदन के सौजन्य से आज का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है पैना पहले बल्लेबाजी कर 122 रन बनाकर जवाब में सोनाड़ी तीन विकेट के नुकसान पर इसमें बात करें तो सोनाड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी ताकि अगर वो दोनों बल्लेबाज लास्ट तक टिके तो मैच को जिता ही सकते थे लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों का यही तक गाड़ी रुक गई थी विजय का स्थान लेने के नए बल्लेबाज जो मैं उनका नाम जानना चाहूंगा और विजय का स्थान लेने आए रत्नेश सोनाड़ी का 41 रन 2 विकेट 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर Thank you.
तीन विकेट के नुकसान पर। राइटर ओवर द विकेट और मोड़ करने की कोशिश पूरी तरह से चूक गए भाई का विकेट कीपर ने पूरा किया। बहुत अच्छी गेंद थी ताकि इस गेंद को चाहते तो आप स्टैंड में भेज सकते थे लेकिन गेंद समझ नहीं पाए और पूरी तरह से बीट हो गए। अखिलेश अपनी बॉलिंग मार पर तैयार इस समय इंपायर कराते हुए हरकेश और सूरज और राइटर ओवर द विकेट पुल करने की कोशिश पूरी तरह से चूक गए बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का सीधे सीधे फेंक देना 47 रन तीन विकेट के नुकसान पर। ज्यादा चोट लागल भाई और राइटर ओवर द विकेट इस गेंद को खेल दिया है गली के क्षेत्र में। सोनाड़ी का और हम देखते हैं का इशारा क्या आता हुआ दो रन इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 50 रन तीन विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति पर बहुत अच्छी मुकाबला चलता हुआ फाइनल का और गोल हुआ है कोटे का पहला और पारी का छावा बल्ले लेकर गोल हुआ क्योंकि मसीह टीम को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट पुल करने की कोशिश पूरी तरह से चूक गए भाई का विकेट कीपर ने पूरा किया। गोलू अपने बॉलिंग मार पर तैयार गोलू हल्के हल्के मसीह टीम को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेम को खेल दिया लेग की दिशा में एम्पायर का इशारा आता हुआ एम्पायर का इशारा आता हुआ 4 रन इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 53 रन रख लेना 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की प्रगति पर और गोलू अपने बॉलिंग मार पर तैयार इसमें बहुत अच्छी फाइनल का मुकाबला चलता हुआ से काफी दूर एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइट
विकेट बहुत अच्छी पारी कराते हुए जो कि पांच साल की अनुभव के इनको भी पारी कराने के बहुत जगह ही पारी कराते हुए आ रहे हैं। से इस टीम को पार करते हुए
राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद को भी स्टैंड में भेजना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चुप गए। स्टैंड में भेजते भेजते ओवर को पूरी तरह से खा ही लिए। पचपन चाहिए तीन में पचपन इस समय पैना बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए सात ओवर की समाप्ति पर सोनाड़ी का बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन तीन विकेट के नुकसान पर। सीएटी टाइम आउट को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। चलो 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 स्टार्ट करो। और सूरज बहुत अच्छी इंपायरिंग करा रहे हैं इस समय जो कि अपने सिर पर गमछा धर कर घाम से भी बच रहे हैं और इंपायरिंग करा रहे हैं। बाबू कहाँ गिला हो वाराणसी और इलाहाबाद चलकर ये इंपायरिंग करा रहे थे इनको वहां से बुलाया गया है। और सूरज और हरकेश का बात की जाए तो पूछिए मत उनका कहना है क्या है बहुत अच्छे निर्णय देते हैं। और अखिलेश राइट आर्म ओवर द विकेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल गया एम्पायर का इशारा आता हुआ 6 रन इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 76 रन भैया 70 रन विकेट के नुकसान पर। और रत्नेश की ट्राई पर बहुत अच्छी गरीबी मामला और चालू करो नो मत दिया दीवार और शॉट हो जाए
और शिवम कहाँ है जो कि ट्रिक तैयार रखे ताकि बहुत हम बहुत तेज है ना फील्डर मैच आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और हमारे स्कोरर इम्तियाज जो कि बहुत अच्छी इस्माइल के साथ मैच में और सूरज तो बहुत अच्छी इंपायरिंग करा रहे हैं ये दिल्ली का मैच छोड़ कर आए सूरज यहाँ पर और दिल्ली का स्थान लेने आएंगे नए बैट्समैन इरशाद इरशाद की बात की जाए तो कितने हिट्स लगा सकते हैं अपने टीम के लिए भाई आए तो अपना हिट्स लगाई जाए लगाते ही जाए ताकि मैच को आगे तरफ बढ़ाया जाए और इस समय हमारे नए कमेंटेटर्स अनु यादव जो कि इनकी आवाज में काफी मिठास है और मिठास इतना है कि वो आए और मैं चाहूंगा कि अनूप आए कमेटी का हॉर्स हमारे राइटर मोहम्मद अभी के टीसाद आग की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन वो गेम बीच में हो गई और एम्पायर का इशारा तो ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर सोनाड़ी का 76 रन विकेट के नुकसान पर और मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि लाइव का मैच उठाए सब्सक्राइब कर दो जितना भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा नाम वितरण हेलो गेंद हवा में नीचे गोलू मौजूद और कैच आउट होकर जाना पड़ेगा विनय को और इसी बीच सोनाड़ी को छावा झटका लगता हुआ और हमारे नए कमेंटेटर्स जो कि कप्पी बॉक्स में के भाई आ जल्दी मैच दो ओवर का और बिट्टू पारी का कोटे का तीसरा और पारी का ओवर लेकर आए बीटू की गेंदों का सामना करेंगे इरशाद और एम्पायर को राइट जस्ट पहुंचा जाए ताकि बहुत हो बीटू अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार बीटू की गेंदों का सामना करेंगे विनय ओवर द विकेट इस गेंद को खेल दिया है आपकी दिशा में और दोनों ही बल्लेबाज दो रन के लिए निकल गए और तीसरे रन के लिए निकल गए करीबी मामला लेकिन आपके दिल में भी रखिए बहुत अच्छी रनिंग कही जाएगी हमारी कमेटी बॉक्स से झुक चुकी है देखा जाए तो कितने
टारगेट 122 रन का। और धर्मेंद्र और इस समय माना जाए तो बैना की तरह पूरी तरह से मैच झुक चुकी है और हल्का कम से टीम को पार करते हुए मोहित शर्मा का विकेट हर चीज ठीक कराई जाएगी। पार कर रहा था चार रन लास्ट गेंद बची हुई है। लास्ट गेम इतनी सन्नाटी हो चुकी है और इसके इंपैक्ट मैं चाहूंगा कि मैच को इस मैच को जीत चुकी है, तीसरा से विन कर चुकी है।